हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पार्ट टू शुरू करेंगे अपना, किसका? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? फर्स्ट पार्ट में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को समझ लिया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को समझ लिया था। आज की वीडियो में हम फॉरेन ट्रेड सेक्टर समझेंगे और साथ ही साथ ये तीनों चेंजेस समझेंगे, कौन से? डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इन सारे टॉपिक्स को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो एकदम बैकवर्ड था और स्टैग्नेंट था। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा बैकवर्ड था और स्टैग्नेंट था, ये हमने इसमें कल पढ़ा था। अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पार्ट वन की, जिसमें मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इन दोनों पॉइंट्स का समझाया है। आज हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, तो शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक, फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। फॉरेन ट्रेड ब्रिटिश रूल के अंदर कैसा था, ये हमारी इकोनॉमी को कैसा अफेक्ट कर रहा था, ये हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी 1947 में, या फिर हम कह दें कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी। तो हमने कल इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला एक टॉपिक पढ़ा और एग्रीकल्चर वाला एक टॉपिक पढ़ा। जैसे कि इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने देखा कि इंडिया के पास रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ इंडिया के पास लैंड भी है जहाँ पर हम अपनी मार्केट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें जब उन्होंने देखी तो वहाँ पर उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करी। जब इंडस्ट्री सेटअप करी तो वो क्या करने लगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने लगे फ्री टैरिफ के साथ, जो कि हमने कल पढ़ाया था आपको। और उसमें क्या था कि एक्सपोर्ट जो हो रहा था हमारा वो फ्री टैरिफ के साथ हो रहा था, किस चीज़ का? रॉ मटेरियल का। और इम्पोर्ट हो रहा था हमारा फ्री टैरिफ के साथ। किस लिए उन्होंने ये चीज़ शुरू करी थी? उन्होंने ये चीज़ शुरू करी थी फॉर हैंडमेड गुड्स को बंद करने के लिए। हैंडमेड गुड्स को जब उन्होंने बंद करा तब उनका जो मशीन मेड गुड्स थे वो बिकना चालू हुए ऑन द लो कॉस्ट। वो कल मैंने आपको सारी वीडियोज़ में पढ़ा दिया था। कल आज का जो हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड इन द ब्रिटिश रूल में, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट बनता है वो है कि नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हो नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हमारी कंट्री से हो रहा था। एक्सपोर्ट कर रहे थे किसका? रॉ मटेरियल्स का। रॉ मटेरियल्स का हमारा यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा था और जितने भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे हमारी कंट्री में आकर बेचे जा रहे थे। जब ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में आकर बेचे जा रहे थे तो इससे क्या चीज़ साबित हुई कि हमारे इंडिया में जो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, पॉलिसी कौन सी वाली? पॉलिसी हमारी थी टैरिफ वाली। जो टैरिफ हम जो ब्रिटिशर्स गुड्स पर जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर टैरिफ नहीं लगा रहे थे उस पर क्या हो रहा था, वहाँ पर नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स चल रहा था, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आती है हमारी मोनोपोली कंट्रोल ऑन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उस पर ब्रिटिशर्स का क्या था? मोनोपोली थी। अगर हम देखें अपना, अगर हम वर्ल्ड में देखें तो इंडिया में, इंडिया की बात अगर हम करते हैं या फिर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के सिवाय पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड पर कब्जा जमा रखा था। किस चीज़ की वजह से? सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही उन्होंने पूरी वर्ल्ड पर कब्जा जमा रखा था। और अगर हम देखें तो 50% जो हमारा
फिनिश प्रोडक्ट जो बन रहा था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया जा रहा था, और उसका जो रॉ मटेरियल जो लाया जा रहा था वो हमारी इंडिया कंट्री से लाया जा रहा था। तो आप देख सकते हैं ब्रिटिशर्स का इसमें कितना बड़ा मोनोपोली रहा होगा। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो जितना भी रॉ मटेरियल्स जो था हमारा वो इंडिया से लिया जा रहा था, तो आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटेन ब्रिटेन में गुड्स का यहाँ पर रॉ मटेरियल्स का जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक अच्छी खासी प्लेस थी फॉर मार्केट, ठीक है, मार्केट की अच्छी खासी प्लेस थी। तो यहाँ पर भी वो अपनी मार्केट चला रहे थे और साथ ही साथ इंडिया पर भी उन्होंने मार्केट को खड़ा कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे हमारे, उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है कि सरप्लस ट्रेड, का मतलब आप समझते हैं ना, जब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो उस सिचुएशन को हम कहते हैं सरप्लस ट्रेड। अब जो ब्रिटिशर्स ने क्या रखा कर रखा था कि जो हमारा रॉ मटेरियल यहाँ से जा रहा था ब्रिटिशर्स द्वारा, तो उस पर एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा था और इंपोर्ट कम था। अब ये इस चीज में सरप्लस ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको बेनिफिट हो रहा था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जो यहाँ से इन लोगों को ट्रेड करने के बाद जो बेनिफिट हो रहा था, जो उनको इनकम प्राप्त हो रही थी, उस पर वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट ना करकर वो किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो इन्वेस्ट कर रहे थे ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटेन, जो भी ब्रिटेन से जो हमारा गुड आ रहा था उस पर एक्सपेंस पे कर रहे थे, और वॉर एक्सपेंसेस पर वो उस पैसे को यूज कर रहे थे। तो अब जब ट्रेड पर हमारा सरप्लस है, अभी अगर हम देखें तो अगर हम इंडिया की प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं, तो हमारा अगर इंपोर्ट अगर हमारा ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो हमारा सरप्लस ट्रेड नहीं कहलाएगा, तो यहाँ पर ग्रोथ नहीं कर सकती कंट्री। लेकिन इस सिचुएशन में कंट्री बिल्कुल ग्रोथ कर सकती, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास अच्छी खासी इनकम होगी, ठीक है, अच्छी खासी नेशनल इनकम होगी। तो उस वजह से उस सिचुएशन में भी उन लोगों ने क्या करा, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया और ग्रोथ और डेवलपमेंट पे नहीं दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड था ब्रिटिश रूल में, वो भी एक बैकवर्ड था, हम इसको बैकवर्ड कह सकते हैं, बैकवर्ड और साथ ही साथ स्टैग्नेंट, ये भी हमारा बैकवर्ड और स्टैग्नेंट था। अब हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल पर आते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो सबसे पहला जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में जो इंडिकेटर होता है हमारा, वो होता है BR NDR, जो हमारा बर्थ रेट होता है और जो डेथ रेट होता है, वो हमारा सबसे पहला इंडिकेटर यहाँ पर बनता है। तो अगर हम बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करें, तो ये दोनों हाई थे, देवर वेरी हाई, और ये दोनों वेरी हाई होने का सबसे बड़ा जो इम्प्लीकेशन बनता है यहाँ पर, वो हो सकती है हमारी पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी उससे क्रिएट हो जाएगी। BR और DR जो हमारा है वो बहुत ज्यादा बढ़ के है, ठीक। अगर हम 1951 की बात करें, तो हमारा जो BR और DR था वो हमारा कितना 42-48% 42 per 1000 यहाँ पर हमारा देखने को मिला, ठीक है, 42-48% per 1000 हमें यहाँ पर देखने को मिला, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा है, आज के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम आते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के बारे में। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करते हैं, तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है कि वो बच्चे एक साल की उम्र से पहले जो मर जाते हैं,
ठीक है, पर 1000 पॉपुलेशन से अगर हम उसको निकालते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस टाइम पर भी ज्यादा था, बढ़ के था। ठीक है, अगर हम उस टाइम की सिचुएशन अगर देखें, उस टाइम की अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो हमारा 218 per 1000 1951 की अगर मैं बात करता हूँ, जो इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद की जो सिनेरियो रहा, तो इतना रहा ना 218 per 1000, जो कि बहुत ज़्यादा था आज के समय से, आज के टाइम में अगर हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम से कंपेयर करने से अगर हमें ये चीज़ पता चलती है कि वहाँ की जो हेल्थ केयर सर्विसेज थी, हेल्थ केयर सर्विसेज वो बहुत ज़्यादा वीक थी। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत ज़्यादा वीक थी, बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा थी। तीसरी चीज़ आती है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारी बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी 32 ईयर्स देखने को मिलती है, और जबकि अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हमारी 66 ईयर्स या फिर आप कह सकते हैं 65 ईयर्स, जो भी इससे आसपास ही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 32 ईयर्स रही होगी, तो ये भी एक सबसे बड़ा हेल्थ केयर सर्विसेज का भी यहाँ पर प्रॉब्लम रही होगी। दूसरा आता है हमारा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट भी हमारे यहाँ पर कम था, और फीमेल लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा कम था। तो इससे हमें देखने को मिलता है इन सारे इंडिकेटर से कि जो हमारा जो उस टाइम पर डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो थी हमारी, वो बिल्कुल बैकवर्ड थी। ठीक है, और बैकवर्ड मतलब कि अगर हम कह सकें कि इस चीज़ की वजह से जो हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स होती हैं, ये ही सबसे बड़े इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे हमारे कंट्री की ये चीज़ पता लगाई जाती है कि कंट्री हमारी डेवलप कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में जो फ्लक्चुएशन आता है हमारा, पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन आता है। अगर हम उस टाइम की बात करें 1951 की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी पॉपुलेशन एकदम ग्रो करती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। तो अगर आप देखते हैं, कल ही मैंने बताया तो आपको कि 85% पॉपुलेशन आपका किसके सामने थी, ओनली 65% ऑफ आपका जो सरप्लस होता है किसका, फूड का सरप्लस। तो इससे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, और इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो होती है हमारी पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। ठीक है, पॉवर्टी की यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और बहुत ज़्यादा लोग, और इस वजह से ये सारे इंडिकेटर्स हमारे रॉन्गली वर्क करने लगते हैं। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे वो है हमारे, सबसे पहला तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया हमारा, और दूसरा हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, और ये फिफ्थ पॉइंट है, हमने इसके पहले सॉरी ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट है और ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। तो इसके पहले हमने चार पॉइंट समझ लिए हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है हमारा थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। कौन कौन से हैं थ्री सेक्टर? पहला है हमारा प्राइमरी, दूसरा है हमारा सेकेंडरी, तीसरा है हमारा टर्शरी। ठीक है, अब अगर हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो हमारा प्राइमरी सेक्टर का जो परसेंटेज था वो था हमारा करीबन 72%। ठीक है, 72% हमारा, 73% करीबन हमारा उस टाइम पर रहा होगा प्राइमरी सेक्टर का। सेकेंडरी सेक्टर का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10%, और बाकी जो बचा 17% होगा वो हमारा हो जाएगा टर्शरी सेक्टर में। अब आप देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का हमारा 73% है, और इसमें भी अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर जो हमारा कितना हो रहा था, हमारा इसमें से 50% हमारा एग्रीकल्चर ही है हमारा, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो हमारा इसमें इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ इंडस्ट्रीज में हमारा 9% है जो पूरे 10% में से, और बाकी हमारा बचा टर्शरी सेक्टर जो कि 17% है हमारा। अब हम प्राइमरी सेक्टर में देख सकते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो 50% है, और इस ये जो ये शो करता है हमारा कि हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था उस टाइम का वो भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड था, और बैकवर्डनेस की वजह से ही हमारा स्टैग्नेशन है। इंडस्ट्रीज हमारी 9% है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर 50% और 9%, तो आप देख सकते हैं हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्लो चल रहा था। तो ये तो हमारी हो गई ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात। दूसरा हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास दो पॉइंट बनते हैं। पहला हमारा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरा हमारा होता है क्या, सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आ जाएगा। दूसरा अगर हम देखें तो क्या आ सकता है इसमें, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, और उसको हम कह सकते हैं रेलवे उस टाइम पे थी। दूसरा हमारा क्या है, जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करवाया था पोस्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राम्स, टेलीग्राम्स। तीसरा जो चालू करवाया था वो था पोर्ट्स, ठीक है, पोर्ट्स और रोड्स जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर चालू हुई। तो आप इन तीनों से पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पर जब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो रेलवे के द्वारा स्टार्ट हुआ भी था तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए हुआ था, ब्रिटिशर्स के बेनिफिट्स के लिए हुआ था, ठीक है, जिससे कि ब्रिटिशर्स को इंपॉर्टेंस मिल सके। रेलवे का यूज किस लिए हुआ था, ओनली फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, जो मशीन मेड गुड्स थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट थे जो ब्रिटेन से लाए गए थे। पोर्ट से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का यूज होता था, जो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कराया जाता था और जो फिनिश प्रोडक्ट था उसको इंपोर्ट कराया जाता था। रोड्स के जरिए भी वहां से ट्रांसपोर्टेशन होता था हमारा। पोस्ट और टेलीग्राफ में अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन के यूज के लिए, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था हमारा, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही यूज करा जाता था। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज आती है हमारी सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में हमारा क्या आता है, सोशल डेवलपमेंट में आती है हमारी एजुकेशन। एजुकेशन के बाद दूसरी चीज आती है हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। तीसरी हमारी सोशल डेवलपमेंट में क्या आ गया हमारा, हाउसिंग फैसिलिटीज, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों की भी बात करें अगर, तो एजुकेशन इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन आई थी तो सिर्फ किस लिए आई थी, सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियलिज्म, जो हमारी इंडिया में जो कॉलोनियलिज्म आया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या करा था कि इंडिया में जैसा उनके ब्रिटेन में पढ़ाई होती है वैसी यहाँ पर एजुकेशन सेटअप उन्होंने लगाया, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं हेल्थ फैसिलिटी की, तो हेल्थ फैसिलिटीज बिल्कुल बेकार थी हमारे इंडिया में, इसी वजह से हमारा जो बीआर और डीआर था वो बढ़ा हुआ था और इन्फेंट मॉर्टेलिटी भी, मॉर्टेलिटी रेट भी बढ़ गया था। हाउसिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता था, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि अगर हम क्लासेस का डिस्क्रिमिनेशन करें, ठीक है, क्लासेस का डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्लासेस, ठीक है,
तो इस वजह से हम देख सकते हैं हाउसिंग फैसिलिटीज भी वहां पर बिल्कुल बेकार थी। तो आप देख सकते हैं कि हमने छह के छह फैक्टर्स पढ़े हमने इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और छह के छह फैक्टर से हमें ये पता लगता है कि हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो क्या है, बैकवर्ड के साथ साथ हमारी इकोनॉमी है स्टेगनेंट। जो हमने इस चैप्टर के शुरू में जो क्वेश्चन करा था कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, तो इंडिया की इकोनॉमी है बैकवर्ड एज वेल एज स्टेगनेंट। ठीक है, तो ये आज का ये वाला जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए बाय।